राफिया हमारे ये पीछे बैठी है, चपक के दिखाई नहीं दे रही बिल्कुल भी। राफिया बाग नहीं है अपना, आगे इससे आगे वाला बाग है, ये किसी का है, ये अपना नहीं है। कोई सा भी बाग दिख जाए ना तभी उनको अपना बाग लगने लगता है। तो ये आ गया अपना बाग, यहाँ पे ये सामने आप देख रहे हैं ये हमारा बाग आ गया। और यहाँ राफिया तमीम को हम घुमाने लेकर आए हैं, मतलब जिद कर गए ये लोग कि बाग में घुमाओ, तो चलो बाग में घुमा देते हैं। आगे हम तमीम और राफिया के साथ बाग में, बाग के अंदर। अभी देखो बाग में ना, अभी ये देखा मैंने कि यहाँ पे अब आम आना शुरू हो गए हैं। ये देखिएगा छोटे छोटे आम, नन्हे नन्हे आम, ये देख रहे हैं आप ये। तो तमीम और राफिया को आम खाना है। और ये तो ज़मीन पे ये पड़ा है, उठा लो आम, मुझे नहीं मिला। तो भी देख ले कहीं पर। सुबह सुबह का टाइम है, बाग के अंदर घूमना काफ़ी अच्छा लगता है। देख तमीम जरा आम देख, जो उठा ले तमीम 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 तमीम, एक ये रहा, एक देख देख देख, ओ यहाँ पे बहुत सारे पड़े हैं। देख तमीम जरा, एक ये देख, काफ़ी ये काफ़ी बड़ा है देख ये। हाँ तो उठा लो, बहुत सारे आम पड़े हैं यहाँ पे ज़मीन पे। छोटे छोटे आम आ चुके हैं, आई थिंक हवा हवा चली होगी तो थोड़े थोड़े ज़मीन पर टूट के गिर पड़े हैं। तो इस वक्त काफ़ी अच्छा और ठंडा मौसम है, तो देखो ना यहीं पे काफी काफी पड़े होंगे जमीन पे। अभी हम राफिया को जमीन पे पड़े हुए आम उठाने में बड़ा मजा आ रहा है, और ये सारे आम उठा उठा के अपनी जेब में रख रहे हैं। देखिए कितने आम मिल गए। कहाँ पे, तो हटो वहाँ से। तो आम का सीज़न अब शुरू होने वाला है, लगभग छोटे छोटे आम आ चुके हैं, लेकिन इस बार मुझे लगता है कुछ ज़्यादा आम नहीं लगे हैं पिछली साल के मुकाबले में, पिछले सीज़न के मुकाबले में। और जैसे यहाँ पे कुछ आम की तादाद बढ़ जाएगी, यानी बड़े बड़े होने लगेंगे और कुछ खाने लायक होंगे, तो इंशाल्लाह ज़रूर आकर हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे और एक मज़े से एक अच्छी सी एक वीडियो बनाएंगे, पार्टी करेंगे, मज़ा आएगा, अच्छा आएगा। अभी हमारा बाग जिनके हैंडओवर है वो काफ़ी अच्छी आदत है उनकी, जब भी हम यहाँ पर आते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से वो वेलकम करते हैं, आम खिलाते हैं। और इससे पहले जब हम छोटे छोटे थे तो ये हुआ करता था कि बाग जो था हमेशा किसी न किसी को बेच दिया जाता था उसकी फसल को, होता अभी भी यही है, यही प्रोसेस है अभी भी। और लेकिन क्या है कि कभी भी हमको इतना अच्छा नहीं लगा जितना अच्छा अभी जिनके पास में हमारा ये बाग है, जिनको हमने बेच रखा है इसकी फसल को, जब हम आते हैं तो इतना अच्छा लगता है क्योंकि वो बहुत अच्छे खुश मिजाज इंसान हैं, काफ़ी अच्छे से बात करते हैं और जितना हो सकता है उतना वो हमें आम आम खाने के लिए देते हैं, हम फिर यहाँ एंजॉय कर पाते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो अभी देख रहे हैं आप कि मैं अपने बाग के अंदर हूँ और मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी लगती है, बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि यहाँ की ताज़ा ताज़ा हवा और एक चिलकती और चमकती हुई धूप और बाग के अंदर टहलना घूमना, एक अपनेपन का एहसास होता है। मैं दुआएं दूंगा अपने बुज़ुर्गों को, मेरे चाचा को, मेरे ताया को, मेरे अब्बू को, कि उनकी हार्ड वर्किंग और मेहनतों के बाद हम आज इस चीज़ का लुत्फ़ उठा रहे हैं। देखो पेड़ पे से ना कोई भी आम टूटना नहीं चाहिए, हाथ मत लगाना बिल्कुल भी ना। देखो वो मारेंगे, अंकल मारेंगे, हटो पीछे हटो पीछे पीछे हटो पीछे, दवाई लगी इनके ऊपर, ठीक है हटाना मत इनको। अभी मैं जिस पेड़ के पास खड़ा हूँ पूरे बाग में हमेशा सबसे ज़्यादा इस पेड़ पर आम आते हैं, और ये थोड़ा लटका हुआ भी रहता है, मतलब इसमें इससे हमेशा वज़न रहता है।
तो अभी आप देख रहे हैं मेरे बैकग्राउंड से पीछे से कोयल की कितनी खूबसूरत सी आवाज़ आ रही है। इतनी ये जो आवाज़ है वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ गांव के अंदर ही सुनने को मिल सकती है किसी बाग बगीचे में। हाँ ये ना अभी भी परेशान है, इनको आम मिल नहीं पाए ढंग से। कितने मिले हैं? ये देखो इन्होंने अपनी पोटली भर रखी है जेब में और अभी भी इनको ये लगता है कि थोड़े से आम मिले हैं। आम बड़े बड़े होंगे ना तब एक ही आम से तुम्हारी जेब भर जाएगी पूरी। थोड़े बड़े बड़े होने दो, अभी एक महीने के बाद आएंगे यहाँ पे आम खाने के लिए। देखो राफिया के हाथ में कितने बहुत सारे आम है, देखो तो तू भी उठा लेना, देख कितने सारे हो गए। चलिए दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, काफ़ी लंबी वीडियो होती चली जा रही है, तो मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली खूबसूरत वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद।